अगर आपको ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू गेट बेटर सैलरीज, बीट अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस पर्सन। आप कैसे सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो? इट्स एन अमेजिंग वीडियो विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तैयार है? लेट्स डाइव डीप इनटू इट। पहला है डेटा ड्रिवन अप्रोच। करना क्या होगा कि हमें इनसाइट्स चाहिए होती हैं कि इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, पोजीशन के लिए क्या सैलरीज ऑफर की जाती हैं। तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि चैट जीपीटी प्रोवाइड डेटा ऑन एवरेज सैलरीज फॉर डेटा एनालिस्ट इन माय लोकेशन। अब मतलब आप कह सकते हैं कि मे बी इन इन मुंबई, ठीक है, ये पूछा आपने, एंड देन सी व्हाट इट सेज। उसने बता दिया आपको कि एट द एंट्री लेवल कितना कितना मिल सकता है, मिड लेवल पे कितना मिल सकता है, एंड अ सीनियर डेटा एनालिस्ट कितना मिल सकता है। तो यू हैव एन आई, यू हैव अ बेसिक रेंज कि कितना सैलरी रेंज आता है फॉर दैट पर्टिकुलर रोल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आती है आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन कि ऐसा क्या है जो आपको डिफरेंशिएट करता है एज कंपेयर टू योर कंपेरिटर्स। तब यू विल बी एबल टू नेगोशिएट कि हाँ, मैं बेहतर हूं एज कंपेयर टू माई कलीग्स और माई कॉम्पिटिशन। तो आप बोलो कि हे चैट जीपीटी, हेल्प मी हाईलाइट माई यूनिक वैल्यू एज अ, जो भी आपका डेजिग्नेशन है। सपोज मैं कहता हूं कि मुझको एज अ सेल्स प्रोफेशनल बताओ कि मेरे अंदर क्या खासियत है। आइडली आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी एक एग्जैक्ट शब्द चाहिए तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि आइडेंटिफाई योर यूनिक स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट एक्सेल एट बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड अबाउट कम्युनिकेशन एंड नेगोसिएशन स्किल्स। देन क्वान्टिफाई योर अचीवमेंट्स। कई बार लोग उसको मेजर नहीं करते हैं। मतलब क्या है इसका? आपने अगर कुछ चीज़ अचीव करी है अपनी वर्क प्लेस पे, जैसे अगर आपने अच्छे सेल्स टारगेट अचीव करे हैं, तो उनको क्वांटिफाई करिए। डोंट जस्ट से कि आई वाज वेरी गुड इन माय सेल्स। डोंट जस्ट यूज एडजेक्टिव्स, यूज मेट्रिक्स, यूज नंबर्स, यूज परसेंटेजेस। दैट एड्स मोर वेटेज, मोर क्रेडिबिलिटी टू व्हाट यू से। आई समझ? ऐसे ही जो आपकी बात है इंडस्ट्री एक्सपर्टीज की, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया है तो बताओ कि किस क्लाइंट के साथ काम करते हुए आपको कैसा फील हुआ, आपने क्या जाना, क्या सीखा। देन दिस इज समथिंग विच मेक्स इट सो ऑथेंटिक दैट इस शख्स ने इस क्लाइंट के साथ काम किया है, उसकी क्या प्रॉब्लम थी और उसको आपने कैसे सॉल्व किया। दिस एड्स मोर क्रेडिबिलिटी टू यू दैन जस्ट कि ये भी एक प्रोफेशनल है विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत लोगों के पास है, लेकिन आपके अंदर वो क्या खासियत है, दैट विल हेल्प यू नेगोशिएट बेटर। आर ये बात समझ? ऐसे ही बात हो रही है अडैप्टेबिलिटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की। एंड यू हैव 11 एग्जाम्पल्स जो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां बात हो रही है द पावर ऑफ द काउंटर ऑफर। कि सपोज आपको जो ऑफर दिया गया, आपको उसको काउंटर ऑफर करना है। कि सपोज आपको 10 लाख का पैकेज ऑफर किया गया, तो आपको एक काउंटर करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। आपने कहा, चैट जीपीटी गाइड मी इन क्रिएटिंग अ काउंटर ऑफर फॉर अ जॉब ऑफर आई हैव रिसीव्ड। बहुत जेनेरिक है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी डोमेन के हिसाब से। तो चैट जीपीटी कहता है कि क्या प्रोसेस रहेगा टू क्रिएट अ काउंटर ऑफर। ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए उसने बोला कि एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। डोंट जस्ट से सिर्फ 10 लाख, इससे क्या होगा सर। नहीं, रादर एक्सप्रेस, यू नो, बी ग्रेटफुल। वो कह रहे हैं कि बिगिन रिस्पॉन्स बाय एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन फॉर द जॉब ऑफर एंड योर एंथुजियाज्म फॉर द पोजिशन। दिस सेट्स अ पॉजिटिव टोन फॉर द नेगोसिएशन, राइट? कि एटलीस्ट किसी ने आपको कुछ तो ऑफर किया। आपको बिल्कुल ये नहीं बोला कि अरे यार गेट आउट, बेकार है, यू रिजेक्टेड। नहीं, राइट? दे जस्ट गिव यू एन ऑफर, वैल्यू इट। देन द सेकेंड अप्रोच इज रिक्वेस्ट टाइम टू कंसिडर। सो इम्पॉर्टेंट, सेज पोलाइटली आस्क फॉर सम टाइम टू रिव्यू द ऑफर। दिस शोज दैट यू टेकिंग द ऑपर्चुनिटी सीरियसली एंड नीड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्या बोला? इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्या बोला? इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये आपका हक बनता है, राइट? इट्स कंप्लीटली फाइन दैट यू माइट टेक टाइम टू कंसिडर, गिव इट अ थॉट, एनालाइज, इवैल्यूएट, वेट विद योर अदर ऑप्शंस एंड देन टेक अ कॉल। मेक सेंस? थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेप, असेस द ऑफर। आप ऑफर को रिव्यू कर रहे हैं,
not just the salary, but the benefits, the bonuses, the stock options, the vacation days, and many other perks. इनके basis पे आप एक list तैयार करते हो कि मैं इसको choose करूँ या ना करूँ. अरे समझ के किस तरीके से हम लोग salary negotiation का जो पूरा process है वो ChatGPT की मदद से आपको insights तो मिल गई, बट थोड़ा सा इसको apply करना है जो भी आप कर पा रहे हो मेरे साथ. Yes or no? Yes. Next part है research market rates. अब बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे ऑन द इंटरनेट जहाँ पे जाके आप सैलरी को कंपेयर कर सकते हो. glassdoor.com एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. एम्बिशन बॉक्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू फाइंड समथिंग मोर, आजकल बहुत सारे ऑप्शन मिल चुके हैं, आप चूज़ कर सकते हो. मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली योर कॉल. ठीक है, फिर बात हो रही है पॉइंट नंबर 5 की, डिटरमाइन योर डिजायर्ड कॉम्पेंसेशन. जो आपने रिसर्च कर ली, फिर यू कम अप विद कि मुझे एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए. फिर अब रिक्वेस्ट को जस्टिफाई करो, थोड़ा रियलिस्टिक रहो. जब नेगोशिएट करो तो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली, एग्रेसिव नहीं होना है. और जो और बेनिफिट्स हैं, फॉलो अप करना है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप रेफर कर सकते हो. ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा हर पॉइंट को डिस्कस करने में. आई समझ. नेक्स्ट इज द रोल प्ले स्ट्रैटेजी. अब आपको बेसिक तो आइडिया हो गया, अब बात है प्रैक्टिस की. तो आपने कहा कि यार मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूं, तो चैट जीपीटी ने बोला मैं हूं ना. तो बोला कि चैट जीपीटी, जीपीटी सिम्युलेट अ सैलरी नेगोशिएशन कॉन्वर्सेशन विद मी, कि मुझे फील आ जाए कि मेरे सामने कोई एचआर बैठे हुए हैं जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे नेगोशिएट कर रहे हैं. मुझे थोड़ा सा एक अच्छा सा एक फील आ जाए कि हाँ मैं आंसर दे रहा हूँ. तो आपने क्या किया, आपने आंसर दिया तो उन्होंने आपको रोल दे दिया कि आप क्या बोल रहे हो और एचआर क्या बोल रहे हैं, फिर आप क्या बोल रहे हो, फिर एचआर क्या बोल रहे हैं. एग्जाम्पल, यू से थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी द पोजीशन एट एक्स वाई जेड कंपनी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन योर टीम. राइट मैनेजर, ओह यू आर वेलकम, वी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, हैव यू अ चांस टू रिव्यू द जॉब ऑफर, यस आई हैव गॉन थ्रू इट लाइक थरली एंड आई अप्रिशिएट द ऑफर, आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट द रोल एंड द कंपनीज मिशन, हाउएवर आई वॉज होपिंग वी कुड डिस्कस द कॉम्पेंसेशन पैकेज. एना कितना इंटरेस्टिंग पूरा सिनारियो आपके सामने है कि क्या एचआर पूछ सकता है, फिर क्या आप पूछ सकते हो. इसको आप बहुत इन डेप्थ जा सकते हो, आई विल नॉट गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट, बट आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा. अरे बात समझ. अब करते हैं बात नेक्स्ट स्टेप की. नेक्स्ट स्टेप इज आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पेशेंस. तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी से हेल्प मांगो कि जहाँ पे थोड़ा सा टफ नेगोशिएशन हो उस समय पे क्या किया जाए. है ना जरूरी, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर मुझसे कोई मैनेजर, हायरिंग मैनेजर बहुत ही टफ नेगोशिएशन कर रहा है कि नहीं हम तो इससे ज्यादा आगे आपको दे ही नहीं सकते एंड ये तो कंपनी की पॉलिसी है एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, यू सिंपली आज चैट जीपीटी की हाउ डू आई मेंटेन कंपोजर ड्यूरिंग टफ नेगोशिएशंस. तो उसने आपको करीब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स दे दिए हैं कि क्या क्या कर सकते. मैं सिर्फ आपके लिए ये स्क्रॉल कर देता हूँ जिससे कि अगर आपको ये पॉज करके पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो. आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा रिसर्च करने में, आपका सारा काम आसान हो गया इस वीडियो को देखते ही. ठीक है, पॉज करो, पढ़ो, फिर आगे बढ़ो. पीछे जाना है पीछे जाओ, आगे आना है आगे जाओ. आई समझ. जब आपने ये कर लिया फिर आपको मार्केट ट्रेंड्स थोड़े से अगर जानने हो तो वो भी आप कर सकते हो. जैसे कि आपने बोला कि मुझे आप बताइए कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं टेक जॉब मार्केट्स में, जो भी आपकी इंडस्ट्री है वो आप पूछ सकते हैं. तो उसने बोला कि 2022 के जो ट्रेंड्स हैं कि रिमोट वर्क है, हाई डिमांड फॉर टेक टैलेंट है, सब कुछ बता दिया आपको कि एआई की डिमांड है, मशीन लर्निंग की डिमांड है. तो अगर आपसे ये चीज़ें रेलेवेंट हैं कि अच्छा इस स्किल की तो डिमांड चल रही है कि 2023-24-25 में ये स्किल बहुत काम आने वाला है, तो यू कैन नेगोशिएट वेल. अगर एक स्किल की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है और आपके पास वो स्किल है तो सिंपल लॉजिक है, यू कैन चार्ज मोर मनी फॉर दैट. मेक सेंस. जब आपने ये कर लिया उसके बाद जो आपके एडिशनल बेनिफिट्स थे आपने उसके बारे में भी नेगोशिएट करने की कोशिश करी. तो आपने क्या बोला कि चैट जीपीटी, हेल्प मी ड्राफ्ट अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल बेनिफिट्स इन माय जॉब ऑफर. तो चैट जीपीटी ने आपको इसका भी जवाब दे दिया कि जब आप
रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर एडिशनल बेनिफिट्स इन माय जॉब ऑफर, तो आप किस तरीके से बात कर सकते हो? हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो यू नीड टू हैव थिंग्स इन प्लेस, बेनिफिट्स है रिटायरमेंट के बाद, एडिशनल पेड टाइम ऑफ है एंड वॉट नॉट। क्या होता है कई बार कि हमें कई बार आइडियाज़ नहीं मिलते, द पॉइंटर्स नहीं मिलते कि अच्छा हाँ, आई कुड हैव आस्क्ड फॉर दिस ऑल्सो, आई कुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्थ बेनिफिट्स और इंश्योरेंस प्लान, और विल माई पेरेंट्स इंश्योरेंस भी कवर्ड, नॉर विल माई ट्रैवल भी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुझे जो हायर एजुकेशन है कंपनी में रहते हुए इसका मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि हमें पता होनी चाहिए, सो दैट वी कैन नेगोशिएट वेल, कि अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हो, आपका कहते हो कि कंपनी की यही पॉलिसी है कि इतना ही सैलरी आपको दे सकते हैं, सो कैन यू हैव अ प्रोविजन वेयर यू कैन गिव मी दी द बेनिफिट्स, तो आप ये पूछ सकते हो। देखिए बात ये है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप ये कहते हो कि जो काउंटर ऑफर मिला है उसको आप कैसे इवैल्यूएट करो, तो आप इसके लिए भी चैट जीपीटी से हेल्प मांग सकते हो। आपने कहा कि यार एडवाइस मी ऑन इवैल्यूएटिंग अ काउंटर ऑफर फ्रॉम माय करंट एम्प्लॉयर। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो उन्होंने पूरा बता दिया कि अंडरस्टैंड योर मोटिवेशन, कंपेयर द ऑफर्स, इवैल्यूएट नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कंपनी स्टेबिलिटी, कमिटमेंट टू योर ग्रोथ, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। सब बताऊँ? नहीं, विल डू द नेक्स्ट वीडियो। ये आपके लिए मैं आई विल स्क्रॉल इट, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए, इफ़ यू हैव टू पॉज एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात है कि आपको काउंटर ऑफर दिया जाता है, जैसे आपने शार्क टैंक बहुत देखा होगा, तो शार्क टैंक में वो आपको ऑफर करते हैं, फिर आप काउंटर ऑफर करते हो, फिर वो भी काउंटर ऑफर करते हैं, एंड ये गेम चलता रहता है जब तक दोनों पार्टीज़ संतुष्ट ना हो। अगर एनी पार्टी फील्स कि नहीं यार दिस इज़ नॉट अ विन विन, दिस इज लूज विन, देन दे वॉक आउट फ्रॉम दैट इक्वेशन, ठीक है? इस तरीके से यू कैन डिसाइड। अब बात आती है कि जब आपको ऑफर मिल गया तो पोस्ट ऑफर नेगोसिएशंस आप कैसे कर सकते हो? तो आपने बोला कि चैट जीपीटी गाइड मी इन नेविगेटिंग पोस्ट ऑफर डिस्कशंस। तो जब आपको ऑफर मिल चुका है तो आपको क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है कि स्टार्ट योर ऑफर, यू कैन से लाइक थैंक यू फॉर द ऑफर, देन रिक्वेस्ट द ऑफर इन राइटिंग। कई बार होता है ना कि सिर्फ बातें हवा हवा में हो रही हैं, यू नीड टू हैव अ प्रूफ ऑफ इट इन रिटन। फिर उस ऑफर को थरली रिव्यू करिए शांत मन से, आई वुड से 2-3 बार रिव्यू करना। कई बार होता है कि हम लोग कुछ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको मिस कर जाते हैं, जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मिस कर जाते हैं, एंड दैट कैन बी अगेंस्ट यू एज वेल। सो एक बार क्लैरिफाई करिए, अगर कहीं ना कहीं कुछ अब लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, रीच आउट टू द एचआर कि मैंने ये देखा कि एनेक्शन नंबर 2 पे या पेज नंबर 2 पे पॉइंट नंबर 5 था, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें, नीड सम क्लैरिटी ऑन दैट, वो पूछ सकते हो आप। और अगर लगता है आपको नहीं यार ये तो अभी भी डील सही नहीं बैठ रही है जो उन्होंने बताया है, नेगोशिएट इफ रिक्वायर्ड, और फिर अगर कुछ चेंजेस होने हो वो सब कर सकते हो, और फाइनली जाके पार्टी कर सकते हो अगर मन करता है तो। लास्टली अगर आपको उनको एक थैंक यू मैसेज भेजना है जहाँ पे आप कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड शो करना है, करना चाहिए, एक अच्छा फील होता है, इट्स मोर ऑफ अ ह्यूमन कनेक्शन दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। आपने कहा चैट जीपीटी असिस्ट मी इन राइटिंग अ थैंक यू मैसेज आफ्टर सक्सेसफुल सैलरी नेगोसिएशंस। तो विजय अभियान नहीं, आप जंग में जीत चुके हैं, तो आप पूछते हो कि मैं क्या बोल सकता हूँ। तो उन्होंने पूरा बता दिया आपको कि आप क्या क्या कह सकते हो, पूरा का पूरा आपको मेल दे दिया गया है, इसको आप कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली बिल्कुल मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, चेंज करना, और फिर इसको लिख के भेज देना। आसान था ना? अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो फॉर सैलरी नेगोशिएशन, योर लाइफ बिकम सो इजी, इजंट इट? दैट्स व्हाट आई कुड थिंक ऑफ व्हेन आई थॉट ऑफ यू, कि आपके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा। बताना मुझे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए मुझे भी बताना। आई लव टू मेक थिंग्स रियली ईजी फॉर यू सो दैट यू ग्रो इन योर लाइफ एंड बिकम मोर सक्सेसफुल। ऑन दिस नोट आई विल टेक अ लीव एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे प्रोडक्टिव।